लेकिन चूंकि लोग अपनी राय इसलिए रख रहे हैं, या मैंने आपसे इसलिए कहा है कि चूंकि धर्म का मामला जो है ये इन सब चीज़ों से ऊपर का है, और जब किसी के मजहबी जज्बात को, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो लोग मजहब की मोहब्बत में, धर्म की मोहब्बत में जो है इस तरह की बातें कहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी जनसभा के दौरान एक बयान आप लोगों ने खूब सुना होगा। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं जिसमें ममता बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, आप उस बयान को पहले गौर से सुन लीजिए। उन्होंने অনেকে গিয়ে বাংলা, উন্নয়নে কেউ পারবে না, পৃথিবীর সেরা বাংলা, বিশ্ব বাংলা। আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 2024 लोकसभा के चुनाव के दौरान वो एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान वो अपने किए गए कार्य और अपने योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे थे, अपने योजना के बारे में, स्कीमों के बारे में लोगों को ये बता रहे थे कि मेरे स्कीमों का फायदा लोगों तक किस तरह पहुँच रहा है, और ये स्कीम कभी नहीं बदलने वाला स्कीम है, कभी नहीं बदलने वाला ये योजना है, उस योजना के बारे में अपने लोगों को बता रहे थे। लेकिन उस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उस पे कुछ लोगों की नाराजगी भी है। ये स्कीम कभी खत्म होने वाली स्कीम नहीं है, लेकिन किसी धर्म के किताबों के बारे में, किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में इस तरह से कहना कि वो खत्म हो जाएगा, इसी मामले पर अपनी बात को रखने के लिए हमेशा की तरह, और खास करके मुफ्ती रिजवान कासमी साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हमेशा और मुद्दों पर, और किसी भी मामले में सामाजिक मुद्दा हो या उस पर अपनी बातों को हमेशा निष्पक्ष रखे हैं, और हमेशा सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न अखबारों में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मुफ्ती रिजवान कासमी साहब आज हमारे साथ है। ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, इस मामले में हम पहले जानते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस सिलसिले में मुझे कुछ कहने के लिए आपने मधु किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पश्चिम बंगाल की वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का बयान जो उन्होंने एक इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कही है, जिसमें उन्होंने कुरान और दीगर मजहबी किताबों के बारे में कहा है कि ये किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी हुकूमत का स्कीम या मेरे ज़रिया चलाए जा रहे मंसूबे कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी इस मुल्क की जानी पहचानी एक सेकुलर लीडर हैं, और उनकी ज़बान से इस तरह का बयान मैं समझता हूँ कि जज्बात और धोखे में निकला है। ये उनसे भारी गलती हुई है और उनको अपनी इस गलती पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपने बयान को वापस ले लेना चाहिए। सरेआम जिस तरीके से उन्होंने भरे स्टेज से कहा, उसी तरीके से किसी दूसरे स्टेज से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने इस बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए। मुल्क में मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, और इंतखाबी कमीशन ने तमाम सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी भड़काओ बयानबाजी या धर्म और मज़हब का इस्तेमाल चुनावी प्लेटफार्म से नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं, जाने या अनजाने में जो कहिए, वो अपना इस तरह की हरकतें करते रहते हैं जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। धर्म और मज़हब का इस्तेमाल सियासी स्टेज से नहीं होना चाहिए। हुकूमत के मंसूबे या उनकी स्कीमें, इनकी एक मुतय्यना मुद्दत होती है उसके चलने चलाने की। जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है या हुकूमत अपने मंसूबे और स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिस कर लेती है, तो फिर वो स्कीम बंद हो जाती है, फिर कोई दूसरी स्कीम बनाई जाती है। लेकिन धर्म और मज़हब या मजहबी किताबें ये रहती दुनिया तक, दुनिया में जिस दिन आखिरी सूरज डूबेगा उस दिन तक के लिए है। धर्म और मजहब या मजहबी ग्रंथ या मजहबी किताबें ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए मैं एक मरतबा फिर मोहतरमा बनर्जी साहिबा से ये कहूँगा कि आप अपनी छवि को, जो आपकी बेहतर छवि है मुल्क में सेकुलरिज्म के लिहाज से, आप उसको बाकी रखने के लिए जो है अपने बयान को वापस ले लीजिए, और अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए मुल्क के आवाम से माफ़ी मांग लें।
चूक हुई है जाने या अनजाने में उन्होंने, हालांकि इस मिजाज की वो नहीं है मेरी समझ से, जो मैंने अब तक उनको देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो मैं समझता हूँ कि किसी जज्बात में आकर के, खुशी में आकर के या भूल करके उन्होंने ऐसा कहा है, कहा है तो बहरहाल गलत किया है, उनको अपनी गलती का इजहार करना चाहिए और उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए।